के ऊपर जो टाइटल है, थंबनेल है, कौन देता है? सर मैं आर्टिस्ट हूँ, डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर है उस गुरु जी है। या दिखा भाई, इसने दिखाया मेरे फटाफट। कौन सी माता है इसका? माँ नुवली माँ यार, वीडियो बनाई किसी ने? बोला मेरे भाई ने। देसी न्यूज़ है हरियाणवी के देखने वाले मेरे सारे दर्शक भैया ने नमस्कार। हम पहुंचे हैं हांसी के पास, गांव है खोखा, और यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे मामला चला हुआ है। एक मास्टर जी हैं और एक रेखा महाराणा जी हैं, जो कि सोशल मीडिया पे आज के दिन बहुत चर्चित हैं। कहीं ना कहीं पाखंड का नाम भी इसके अंदर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो वीडियो वगैरह वगैरह बना रही हैं, उस वीडियो के अंदर भी कहीं ना कहीं समाज ने उंगली उठानी शुरू कर दी है। तो हम मास्टर जी अंदर हैं और रेखा जी भी अंदर हैं, तो उनसे ही पता करते हैं वो इस तरह की मतलब वीडियो कैसे बनाते कैसे नहीं। तो अंदर चल के बात करते हैं। आज अंदर सभी देसी हरियाणवी न्यूज के जितने भी सदस्य हैं उनको सुखविंदर खोखा व रेखा मैरणा की तरफ से राम राम। थोड़े है करेला वर्गे कड़वे, जलेबी वर्गे मीठे मेरे सवाल हैं, थोड़े वह भी सुन लो आप। मगर आप चैप्टर पर दूसरे पर थे तो वो वहां तक सीमित था, अब आपने आगे चलना शुरू कर दिया, तो उसके जवाब मतलब थोड़े है। आपने ये कहा कि मैंने इसको ये किया, वहां इसने एक बोले के उस पर मतलब जा करके अपना एक सॉन्ग बनाना था। आप सही पकड़ नहीं पाए मैंने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मीडिया पे बवाल मचा हुआ है, ये वहां गई और इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए इसने रील बनाई, इसने तो बाद में बताया मेरे को इस बात का। नुवले माँ यार, वीडियो बनाई किसी ने? बोला मेरे भाई ने। नुवले सर देख लो मेरी हिम्मत देखो, मैंने मतलब ऐसी वो बनाई है माँ भाई। अरे एक लड़की के बस की बात तो है नहीं। बोले रेखा महाराणा लगता है? हाँ जी सर। उस चैनल के ऊपर जो टाइटल है, थंबनेल है, कौन देता है? सर मैं आर्टिस्ट हूँ, डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर है उस गुरु जी है। क्वालिफिकेशन कितनी है? सर बाकी के सवाल आप गुरु जी से पूछो, मेरे को नहीं पता ना, मैं तो सिर्फ आर्टिस्ट हूँ, मैं काम काम करता हूँ। जैसे कि आठवीं फैल फाइल, और फिर आप आर्टिस्ट का काम ऐसा करती है? हाँ सर बिल्कुल। ये इसमें देखो, अगर किसी बच्चे में टैलेंट है तो उसमें ये थोड़ी ना उसने पढ़ाई कितनी की, टैलेंट तो टैलेंट ही होता है, वो तो चाहे किसी में भी हो सकता है, या कि अनपढ़ों में टैलेंट नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है। समाज ने आपके मतलब जो चैनल है उसके ऊपर आपके वीडियोस देख करके, थीम लाइन देख करके, टाइटल देख करके जो बवाल मचा रखा है, वो मचा क्यों? उन वीडियो में ऐसी क्या खास बात? सर उन वीडियो में क्या खास बात है, वैसे भी शिक्षा पर दुकानी है हमारे समाज में, जो अवैध संबंध है ना वो सिर्फ उन पे बनाई गई है, और आखिरी में स्पीच दिया जाता है आने वाली जो भी जनरेशन है तो ऐसा न करे तो वरना गलत होगा। तो वैसा थंबनेल देखते हैं और टाइटल देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखते, बस तभी ऐसे बोलते हैं। मास्टर जी इसके ऊपर थोड़ा तीखा सवाल है, गहरा तीखा है। जब वीडियो के अंदर औरत का यानी लड़की का, जो कि एक कपड़े के अंदर दबा हुआ अंग होता है, और वो दिखाया जाए, तो क्या वो वीडियो अच्छी होती है? देखो सर, कपड़े के अंदर दबा हुआ अंग, कपड़े से तो जैसे यहाँ से लेके अपने एडी से लेके और यहाँ गर्दन तक, या लड़कियों का सिर, सही बोल रहा, सिर तक बदन ढका होता है, ठीक है। लेकिन आजकल का जो सिस्टम है, आजकल लड़कियां कैसे कपड़े पहनती है, ये जैसे आजकल जो बवाल मचा रखा है, इतना अंग प्रदर्शन तो ये करती ही नहीं, इससे ज्यादा अंग प्रदर्शन तो खुले आम बस स्टैंड पर लड़कियां हैं वो इतने छोटे कपड़े पहन के घूमती है, तो इतनी सिंपल ड्रेसेस में अपनी वीडियो बनाती है। आप देख लो, आप कितनी भी वीडियो चेक कर लेना, इसके इतने सिंपल सूट पाएंगे जो साधारण से परिवार की लड़कियां पहनती हैं। नहीं, हो सकता है रेखा को इस चीज का ना पता हो, मेरी वीडियो बनने लग रही है। अभी मेरे फोन में शायद रेंज आपके फोन में भी नहीं है, फोन किसी के फोन में हमारे यहाँ पे रेंज नहीं है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हमने चेक की है खोखा गांव के अंदर, मतलब
जो भी नेटवर्क है जियो का है उनमें रेंज नहीं है, उसकी वजह से हम इसको मतलब प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रमाणित नहीं कर सकते कुछ भी। तो उसके अंदर जो वीडियो दिखाई, इसको ना पता हो मेरी वीडियो कैसी बन रही है, शायद इसको बाद में देखा हो, पता हो, उसके बाद ये मुस्लिम मोटिवेशन भी होगी हो भाई जब चल रही है वीडियो अच्छी बन रही है, तो उसके अंदर आपका कहना की? नहीं सर, पहले कैमरा लगा के पहले बताया जाता है आपने ऐसा करना है। क्या आपकी हर वीडियो आपकी से दिखा करके चेक करके निकाली जाती है? हाँ सर, मैं अपनी मर्जी से काम करती हूँ, जो भी सीरियल की स्टार्टिंग होती है भाई हम ये बनाने वाले आज ये समाज का ये मुद्दा उठाने वाले, तो आप पहले समझ लो आपको क्या करना क्या नहीं, तो पहले बताया जाता है। क्या इस बात का आपने पता है? आजो ले लो मजे, टाइटल आपका, टाइटल है जो भी थंबनेल है वो तो गुरुजी डिसाइड करते हैं, मेरे को नहीं पता। ये बात सही है, आजो ले लो मजे। देखो सर मैं बताऊं आपको कि आजो ले लो मजा, एक सेकंड ये बताओ उस टाइटल को, देखो आपके हिसाब से हो सकता है वो टाइटल सही हो, मगर जब आपके बच्चे हैं, जैसे मेरी लड़की है या मेरा लड़का है या आपका लड़का लड़की है, तो उस टाइटल को आज की जनरेशन पहले वाले जनरेशन से कुछ अलग है, आपको पता है? देखो मेरी बात समझो मान साहब, आजो ले लो मजा, इसमें इस चीज को किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, और ये कोई ऐसा भी नहीं कि इतना खराब टाइटल है, इससे तो इसमें तो मतलब आजो ले लो मजा ये तो आम भाषा में ही बोल दे, ये ऐसा टाइटल नहीं है कि ये इतना खराब टाइटल हो। और देखो कोई भी इंसान है उसका सुबह अलग मूड है, दोपहर को अलग मूड है, शाम को अलग है, नाइट को अलग है, हर समय एक जैसा मूड में इंसान रहता ही नहीं। और सुबह सुबह उठेगा तो आदमी सोचेगा भजन पानी सुना, वही आदमी रात्रि में सोचेगा रोमांटिक सॉन्ग सुना, आदमी तो वही है। और दूसरी बात तो यूट्यूब क्या, यूट्यूब एक सर्च इंजन है, गूगल और यूट्यूब सर्च इंजन है, और यूट्यूब वैसी ही वीडियो हमारे फोन में रिकमेंड करेगा जैसी वीडियो हम देखते हैं। अगर हम भजन सुनते हैं तो हमारे सॉन्ग इसमें यूट्यूब के जो हम जब खोलेंगे यूट्यूब को तो इस जो डिस्प्ले है उस पे सारे भजन ही शो करेगा, हम आगे स्लाइड करते जाएंगे तो भजन आएंगे। जैसी वीडियो हम देखते हैं वैसी ही वीडियो दर्शक के आगे रिकमेंड करता है। आगे आप पूछो जो ये बात आप जो बता रहे हो, सबसे पहले तो एक मतलब मेरा सवाल ये है आपसे कि आपने जो पहले स्टार्टिंग की थी वो बीच में, क्योंकि आपका लंबा सवाल हो गया था पूरा आंसर था उसमें, तो आपने जो काम किया था वो काम अच्छा था कि ये काम अच्छा है? देखो जी काम सारे ही अच्छे होते हैं, मैं ये बात पूछना चाहूंगा आप रुकूंगा, उस काम में समाज ने के अंदर किसी प्राणी ने आपके ऊपर कोई उंगली उठाई? उंगली तो तब उठाते ना वो वायरल होता, वो वायरल ही नहीं हुआ क्योंकि काम अच्छा कर रहे। हाँ जी वो का एक ऐसा होता है कि जो कि एक शिक्षा दे के बच्चे को ऊपर तक ले जाए। मान साहब आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा, अच्छा काम भी अगर वायरल होगा ना तो भी विवाद होगा, चाहे आप कितना भी अच्छा कर रहे हैं, जिस टाइम आपका अच्छा काम ग्रोथ कर जाएगा तो भी आपके ऊपर पब्लिक है वो आपको विवादों के घेरे में घेर लेगी, पब्लिक ने विवाद करना ही करना है। तो एग्जांपल दूं अगर आपकी लंबी वीडियो ने हो तो दूं एग्जांपल सर बाद में ले लूंगा। तो रेखा जी थोड़े है तीखे सवाल है आपसे भी, आपने जैसे अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि आपके जो मम्मी पापा हैं वो बोल रहे हैं कि हमने इनको कुछ नहीं बोला, हमारे को पता भी नहीं कि इनकी थाने में रिपोर्ट गई है या कोई और है, ऐसा क्या है? उनकी इजाजत से तो रह जाता है।
सर मेरी फैमिली का तो पूरा सपोर्ट है, लेकिन जो उस रात हुआ ना तो मेरे घर वाले सहम गए, डर गए, बोला भाई ये तो जैसे बोलते हैं ना, एक आदमी एक पासे खड़े, 10 एक पासे खड़े हथियार लिए, तो एक आदमी तो डरेगा। तो उन पे गांव, मेरे गांव वालों ने उनके जो दिमाग, उन पर प्रेशर डाल रखा था कि भाई आपकी लड़की ये काम कर रही नहीं। मेरी फैमिली मेरे पूरे सपोर्ट में। आपकी फैमिली ही अब मतलब समाज से डर के बोल रही है या आपके हित में बोल रही है? नहीं, वो समाज से डर के बोल रही है, फिलहाल तो मेरे ही सपोर्ट में है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी कुछ, अगर मेरे घर वालों से मीडिया वाले ने या रिपोर्टर ने जो भी कुछ सवाल पूछा होगा, तो वो उसके माने मेरे गांव वालों के दबाव में कुछ जवाब दिया होगा, बाकी तो मेरे सपोर्ट में। मीडिया पे आपका एक सवाल और उठा है कि आप पाखंड को भी बढ़ावा देने लगी हैं, ऐसा क्या है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो मेरी आस्था है, मेरी भक्ति है, वो अलग है। मैंने कुछ ऐसा नहीं कर रखा है जैसे कि मैं पाखंड में आऊं, जो मैंने पाखंड रचा, ऐसा कुछ नहीं सर। बाकी मेरे गांव वालों ने कुछ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मम्मी पापा या आपकी फैमिली के जो भी सदस्य हैं, चाचा ताऊ दादा, कभी उन्होंने शमशान में जाके पूजा की है? सर वो कोई पूजा नहीं थी, वो सिर्फ मैंने रील बनाई थी और इसके अलावा कुछ नहीं था, ये कोई पूजा नहीं थी। तो अगर मैं अगर पूजा करती तो मैं पागल थोड़ी ना सर, मैं अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालूंगी, वो सिर्फ एक रील थी। थैंक यू जी। तो जी, इस मामले में कोई भी अपडेट आगे आएगी तो आपको देसी रैन न्यूज में रिपोर्टर जितेंद्र मान के साथ वो रिपोर्ट अपडेट मिलेगी। तो जी, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।